एवरीवन, वेलकम बैक टू ममता निवाल ट्यूटोरियल। और गाइस, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 13 करेंगे। सेवन्थ क्लास का चैप्टर 13 है, जिसका नाम है मोशन एंड टाइम। आज हम इस वाले चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मोशन और साथ में इसका क्या है, टाइम, क्या रिलेशनशिप होता है। अब देखो, मोशन क्या चीज़ होती है। मोशन होती है इफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन को चेंज करे जा रहे टाइम के हिसाब से, तो हम उसको क्या कहते हैं, मूविंग कह देते हैं। तो हम अगर डेफिनेशन लिखे तो क्या कहेंगे, इफ एन ऑब्जेक्ट कीप्स ऑन चेंजिंग, अपनी जगह जो है वो चेंज करे जा रहा है, यानी चेंजिंग इट्स पोजीशन, ठीक है, विद टाइम, टाइम के हिसाब से अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज करे जा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो मूविंग है वो ऑब्जेक्ट, या फिर वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन के अंदर है। तो हम यही चीज़ बोलते हैं, मोशन क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है टाइम के हिसाब से, ये क्या चीज़ है, ये टाइम है। तो टाइम के हिसाब से अगर वो चेंज करे जा रहा है, तो वो हमारी चीज़ जो होती है वो मोशन में होती है। मोशन जो होता है वो हमारे पास तीन टाइप का होता है। मोशन कैसे कैसे हैं, तीन टाइप का। पहला टाइप होता है लीनियर मोशन, ठीक है, लीनियर होगा, या फिर हम इसको क्या कहेंगे, स्ट्रेट मोशन बोलते हैं। यानी अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा वो सीधा ट्रेवल कर रहा है, किस में ट्रेवल कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर ट्रेवल कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये लीनियर मोशन के अंदर है, फर्स्ट। सेकेंड हमारे पास जो होता है वो होता है सर्क्यूलर, ठीक है, सर्क्यूलर। सर्क्यूलर मोशन जो होता है वो कैसा होता है, अब एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है किस में, एक सर्क्यूलर पाथ के अंदर अगर हमारे पास ट्रेवल कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। तीसरा हमारे पास क्या होता है, कर्वी लीनियर होता है, कर्वी लीनियर। अब ये कौन सा होता है, यानी इसमें एक ऑब्जेक्ट क्या है, कर्व के अंदर जा रहा है, यानी पूरा सर्कुलर भी नहीं है, पूरा लीनियर भी नहीं है, ये क्या है, कर्वी लीनियर है। कर्व के अंदर अगर घूमता हुआ एक ऑब्जेक्ट जा रहा है, मूव कर रहा है, तो उसको हम कर्वी लीनियर मोशन बोलते हैं। ये ऐसे होंगे, ठीक है। अब जो मोशन होता है, मोशन हमारे पास दो तरीके का होता है, या तो हमारा मोशन क्या होगा, फास्ट होगा, या फिर हमारा मोशन क्या होगा, स्लो होगा। ये कौन डिसाइड करता है कि फास्ट है या स्लो है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, जिसको एक ऑब्जेक्ट, एक हमारे पास पर्सन ये है, उसने यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ तक पहुँचने के लिए वो जितना भी टाइम लेगा, यानी डिस्टेंस हमारा फिक्स है, यही डिस्टेंस है। एक ने इसी काम को करने में 10 मिनट लगाई, और दूसरा जो पर्सन था, दूसरा हमारे पास रेड कलर से है, ये रेड कलर वाला जो पर्सन है, उसने यही काम करने में उसने 30 मिनट लगाई। तो मतलब क्या है, फास्ट कौन है, जो कम टाइम में सेम डिस्टेंस को कवर कर देगा, ये क्या हो जाएंगे, फास्ट हो जाएंगे। जो ज़्यादा टाइम लेगा वो कौन सा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो इसी हिसाब से हम डिफाइन करते हैं कि जो स्पीड होगी, स्पीड जो होती है ऑर्गेन, जो एक इंसान की या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को अगर आपको बताना है, तो हमें उसके लिए देखना पड़ेगा कि कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है, डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ है, ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ने जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, अपॉन में कितने टाइम के अंदर ट्रेवल किया है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, स्पीड कहलाएगी, ठीक है। तो हमारे पास हम स्पीड को हम ये भी लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, जितना भी डिस्टेंस उसने कवर किया होगा और जितने भी टाइम में उसने कवर किया है, तो वो उसकी स्पीड बताएगी। उसी हिसाब से हम कह देते हैं कि स्पीड क्या है, फास्ट है या स्लो है। जो हमारी स्पीड होती है, ये भी हमारी कई सारे टाइप की होती हैं। जैसे एक होती है हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड। अब ये यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, यानी एक ऑब्जेक्ट है वो ट्रेवल कर रहा है, एक फिक्स डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है सेम गैप में, यानी टाइम जो है वो भी सेम है, डिस्टेंस जो है वो भी सेम है। तो हम ये लिख सकते हैं, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस और टाइम दोनों की दोनों चीज़ हमारे पास क्या है, सेम में ही कर रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। एक होती है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है, यानी हमारे पास क्या है, अलग अलग रहेगा, डिस्टेंस जो होगा वो कवर कर रहा है, डिफरेंट डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिफरेंस डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस हो रहा है, ठीक है, डिस्टेंस भी अलग अलग कवर कर रहा है, और किस में, डिफरेंट टाइम गैप के अंदर, यानी टाइम जो है वो भी वो अलग अलग ले रहा है। तो अगर दोनों चीज़ डिफरेंट हो रही हैं, तो इस हिसाब से हमारे पास क्या आएगा, ये यूनिफॉर्म स्पीड है, वो प्रॉपर स्पीड में नहीं जा रहा। वो क्या है, अगर हम यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें, यूनिफॉर्म स्पीड में क्या है कि ये एक इंसान था, वो क्या है, ट्रेवल कर रहा है, उसको ये 1 किलोमीटर मान लो आप,
ये सेकंड किलोमीटर मान लो और ये थर्ड किलोमीटर मान लो, ठीक है। यानी 3 किलोमीटर का एक रास्ता था जो इसको इसको ट्रेवल करना था, यहाँ तक पहुँचना था। तो इसने क्या किया, 50 की स्पीड में 1 किलोमीटर इसने कवर किया, फिर इसने भी 50 की ही स्पीड में इसने आगे भी कवर किया, फिर 50 की स्पीड में ही आगे कवर किया। तो ये क्या है, स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, कॉन्स्टेंट है। लेकिन एक एक और हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म में क्या है, ये एक पर्सन है, इसको वही वाला डिस्टेंस कवर करना है। मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड किलोमीटर है। तो अब इसको डिस्टेंस कवर करने के लिए इसने क्या किया, यहाँ पे उसको बहुत सारी रेड लाइट मिली, बहुत सारी चीज़ें मिली, या फिर इसने अपनी स्पीड नहीं बढ़ाई। तो ये क्या है, हमारे पास 30 की स्पीड में चला, यहाँ पे उसको बहुत खाली ट्रैफिक मिल गया, यहाँ पे वो 90 की स्पीड में चला, और यहाँ पे उसको फिर से वापस कोई ट्रैफिक मिला या कुछ भी, यहाँ वो 50 की स्पीड में चला। तो क्या है, डिस्टेंस अलग अलग कवर कर रहा है अलग अलग टाइम के अंदर। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है, एक एवरेज, एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या होती है, यानी टोटल की अगर हम बात करें, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जितना भी उस इंसान ने या उस ऑब्जेक्ट ने कवर किया है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है उस ऑब्जेक्ट ने, अपॉन में जितना भी टोटल टाइम लिया है, वो हमारे पास क्या बन जाएगी, इसकी एक एवरेज बन जाएगी। यानी डिस्टेंस हमारे पास क्या है, जैसे हमारे फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड जो किलोमीटर, यानी हमारे पास कितने किलोमीटर होंगे, ये 3 किलोमीटर हो गया, अपॉन में हमारे पास टाइम कितना लिया है, एक 50 मिनट लिए, एक 90 मिनट लिए, एक 30, 50 और 90, यही तो मिनट्स लिए हैं। तो ये सबको टोटल करके हमारे पास जो स्पीड आएगी वो क्या है, हमारे पास एक एवरेज स्पीड कहलाएगी उसके। तो हमारे पास क्या चीज़ होती है, देखो स्पीड क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, इसको हम नॉर्मली स्पीड कहते हैं। अगर हमें इसमें से डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या चीज़ हो जाएगी, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। यानी हम क्या है, अगर ये वाला हिस्सा निकालना है तो हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी डिवीजन में होती है चीज़ वो साथ वाले के साथ, जो भी इक्वल टू के दूसरी साइड पे रखी होती है तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। सेम ऐसे ही अगर हमें टाइम निकालना है तो टाइम हमारे पास क्या आएगा, टाइम इधर आ जाएगा और स्पीड हमारे पास क्या आ जाएगी, इधर की साइड पे आ जाएगी। तो टाइम इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो ये हमारे पास क्या निकल गया, टाइम निकल गया। और अगर हमें एवरेज निकालना हो कि एवरेज स्पीड कितनी रही, तो एवरेज स्पीड के हिसाब से हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस, जितना भी हमने टोटल एक बार डिस्टेंस कवर किया होगा, अपॉन में टोटल टाइम, कितना भी हमें टोटल टाइम लगा उस डिस्टेंस को कवर करने में, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, एक एवरेज स्पीड बन जाएगी, ठीक है। अब देखो ये तो चीज़ समझ में आ गई हमें, अब हमें क्या करना है, मेज़र करना है टाइम को। अगर मेज़र करना है तो मेज़रिंग टाइम कैसे पॉसिबल होता है, टाइम को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, ये किसकी वजह से हो पाता है, जो हमारा नेचर है ना उसके अंदर क्या है, कुछ रिपीटेड इवेंट्स होते रहते हैं, यानी कुछ टाइम इंटरवल के बाद कुछ एक ऐसी चीज़ें होंगी जो क्या है, रिपीट होती हैं, रिपीट, रिपीट आफ्टर अ फिक्स टाइम इंटरवल, हमेशा ये चीज़ होती है, कुछ इवेंट्स होंगे जो ऐसे ही हमारे पास होते रहते हैं, हमेशा रिपीट होते रहते हैं। उस हिसाब से हमने क्या किया, टाइम को मेज़र करना शुरू कर दिया। जैसे हमारे पास क्या है, दी राइजिंग, राइजिंग ऑफ सन, हमेशा ये होता है कि कुछ टाइम के बाद हमारा जो सन होगा वो राइज करेगा, तो हमने उसको क्या कह दिया, ये क्या है, मॉर्निंग है। तो मॉर्निंग वो वाला टाइम होता है जब हमारा सन जो होता है वो राइज करता है। दूसरा क्या है, अगर हम दो सन के बीच में, यानी द टाइम, द टाइम बिटवीन द सन राइज, सन राइज एंड सनसेट, अगर हम इन दोनों के बीच में अगर बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसी बेसिस के ऊपर तो हमने डे और नाइट के अंदर इसको कन्वर्ट किया हुआ है कि डे कौन सा होगा, जब सनराइज हुआ जब तक सनसेट नहीं होता तब तक हमारे पास क्या है, डे चलेगा। फिर हमारे पास क्या है, सनसेट से लेके हमारे पास जब तक सनराइज नहीं होता तो हमारे पास क्या रहेगी, नाइट रहेगी। तो इस हिसाब से ही होता है हमारे पास। दूसरा क्या है, अगर हम टू मून की, यानी दो मून हमारे पास बने, दो न्यू मून हम इजीली लिख सकते हैं, मतलब थोड़ा अच्छा समझ में आएगा कि दो नए मून पूरे पूरे बने, तो दो नए मून के बीच का जितना भी डिस्टेंस, जितना भी टाइम होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, मंथ कहलाता है। तो मंथ क्या होता है, हमारे पास दो नए मून के बीच का टाइम। और दूसरा हमारे पास क्या है, जो हमारी अर्थ होती है,
अर्थ क्या है, सूरज के चक्कर लगा रही होती है। तो अर्थ का अगर एक रिवोल्यूशन पूरा होता है, यानी एक जो चक्कर है सन का वो पूरा होता है, उस एक चक्कर को हम क्या बोलते हैं, ईयर बोलते हैं। यानी हमने इसको अलग से डिफाइन कर दिया कि टाइम को अगर आपने मेजर करना है तो ईयर में कर सकते हो, जो इवेंट हमारे होते जा रहे हैं, जो इवेंट हमारे चलते आ रहे हैं, हमारी कुदरत ने बना रखे हैं, उन्हीं के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या हो सकता है, हमारे पास एक, हमारे पास क्या है, मॉर्निंग हो सकता है, दूसरा क्या है, डे और नाइट हो सकता है, मंथ हो सकता है और ईयर हो सकता है। किस किस बेसिस पे, क्योंकि रिपीटेड चीज़ें होती हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, और उसी बेसिस के ऊपर हमारे हमने क्या है, टाइम को मेज़र करके रखा कि ये डे है, ये नाइट है, ये मंथ है, ये ईयर है। और हमारे पास जो टाइम होती हैं, मेजरिंग डिवाइस भी होती हैं, मेजरिंग डिवाइस। ऐसा तो नहीं है कि स्टार्टिंग में आते के साथ हमने क्या किया, सीधा का सीधा घड़ी बना दी और हम चलाना स्टार्ट कर दिया, नहीं। स्टार्टिंग में क्या था, कुछ और चीज़ों के बेसिस के ऊपर, मेनली जो मेजर है, जो डिवाइसेस हैं, वो किसके बेसिस पे चल रहे थे, पीरियोडिक मोशन के ऊपर चल रहे थे। ठीक है, पीरियोडिक मोशन क्या, हम अभी 2 मिनट में समझेंगे, पहले हम बाकी चीज़ें देखते हैं। पीरियोडिक जो मोशन था उसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, मेजर टाइम कर रहे हैं। ठीक है, यानी इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, देखो इसका मतलब क्या चीज़ होगी, यानी हम क्या कर सकते हैं, ये इसका मतलब ये है कि ये रिपीट करेगा, रिपीट इट्सेल्फ, अपने आप को दोबारे से रिपीट करेगा इन एन इक्वल इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, एक अगर हम इक्वल टाइम के हिसाब से वो अपने आप को रिपीट करता रहेगा, तो वो क्या है, पीरियोडिक मोशन है, अपने आप को रिपीट कर रहा है। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले क्या बना था, सन डायल बना था, सन डायल क्लॉक जो होती हैं, सन डायल क्लॉक्स में क्या चीज़ आती है हमारे पास, ये होती हैं जो सन के बेसिस के ऊपर, जो सन है उसकी पोजीशन कैसी है, उस पोजीशन के बेस पे ये डिफाइन करेगी कि हमारे पास टाइम क्या है। तो टाइम डिपिक्ट करने का तरीका इसका क्या था, सन के बेसिस के ऊपर ये टाइम डिपिक्ट करके बताती थी, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सन डायल बोलते थे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ सकती है, एक सैंड क्लॉक होती है। सैंड क्लॉक क्या होती है, जिसके अंदर, जिसको हम एक और भी नाम होता है, और ग्लास भी बोलते हैं, ठीक है, या आवर ग्लास भी बोलते हैं। ये क्या चीज़ होती है हमारे पास, ये हम यूज़ करते हैं इसके अंदर सैंड, ठीक है, एक इस टाइप का आपको एक ग्लास टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा ऐसा, और ये क्या होगा, बीच से हमारे पास बहुत कम गैप होगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, ये कुछ बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सैंड प्रेजेंट होगा, और वो सैंड क्या होगा, धीरे धीरे गिरता रहेगा, तो 1 घंटे में वो क्या होगा, पूरा नीचे आ जाएगा। फिर इसको क्या करो, पलट के उल्टा खड़ा कर दो, फिर उल्टा क्या है, दोबारे से दूसरा घंटा हो जाएगा। तो किसके बेसिस पे चल रहा है, सैंड के बेसिस पे, कि 1 घंटा पूरा का पूरा हम कब कह रहे हैं, कि जब वो सैंड हमारा यहाँ का सारा सैंड क्या होगा, नीचे वाले वेसल्स के अंदर आ जाए, तो हम उसको कह देंगे एक आर हो गया है। तो इस बेसिस पे भी हो सकता है। दूसरा हमारे पास क्या है, वाटर क्लॉक्स भी आती थी। वाटर क्लॉक वो कौन सी होती हैं, यानी हमारे पास क्या है, ये इस टाइप का एक ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, साइड में हमारे पास यहाँ से क्या है, पाइप्स लगे हुए होते हैं। ये पाइप क्या करेगा, पानी देने का काम करता है, तो पानी भरता रहेगा। और हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक और मतलब बीकर सा लगा होता है, जो कि ये टपकता रहेगा, ये भरता रहेगा, टपकता रहेगा, तो ये भरता रहेगा। तो अब देखो, हम पानी यहाँ से डाल सकते हैं, एक बार डालेंगे, वो कितने टाइम में ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है वो फिल हो जाएगा उसका, उस बेसिस के ऊपर हमारे पास क्या चलता था, वाटर क्लॉक चलती थी। तो वाटर हम मेज़र करने के, मतलब वाटर से टाइम को मेज़र किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वाटर क्लॉक बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, पेंडुलम वाली क्लॉक, पेंडुलम क्लॉक, ठीक है। पेंडुलम क्लॉक के अंदर क्या चीज़ थी, हम इसके अंदर क्या यूज़ कर रहे हैं, पेंडुलम यूज़ कर रहे हैं। पेंडुलम जो होगा वो मूव करता रहेगा, और उस हिसाब से वो क्या करेगा, टाइम को मेज़र करेगा, मेज़र टाइम, ठीक है, टाइम को बताएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो आजकल चल रही हैं वो कौन सी हैं, क्वार्टिज क्लॉक, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी होती हैं, क्वार्टिज क्लॉक होती हैं, जो आजकल हम यूज़ कर पा रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट लगा हुआ होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट, इसके बेसिस के ऊपर हमारे पास ये क्लॉक्स चलती हैं। और इसके अंदर क्या है, सेल होता है। सेल क्या है हमारे पास, जो हम बैटरी लगाते हैं, वो जो सेल लगाते हैं, वो सेल क्या है, इसको एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है, और उसी हिसाब से हमारे पास क्या है, ये टाइम बताती है। और ये काफ़ी हद तक हमारे पास क्या है, एक्यूरेट टाइम बताने के लिए मानी जाती है। बाकी हमारे पास ये बाकी जो क्लॉक्स होती हैं उनके अंदर क्या है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो कि हाँ इतना टाइम हो रहा होगा।
लेकिन ये क्या है, एक्यूरेट टाइम बताएगी, बिल्कुल सही टाइम बताएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो ये पीरियोडिक मोशन होता है, जिसके बेसिस के ऊपर ये सारी क्लॉक जो होंगी वो चल रही है, वो क्या है, पीरियोडिक मोशन जो होता है वो क्या है। इस पीरियोडिक मोशन को समझने के लिए आपको किस क्या समझना पड़ेगा, एक सिंपल पेंडुलम का जो फंडा होगा वो पूरा का पूरा समझना पड़ेगा कि सिंपल पेंडुलम कैसे काम करता है। ये देखो, ये हमारे पास क्या है, कोई भी एक रिजिड सपोर्ट है, इसको हम क्या लिख देंगे, रिजिड सपोर्ट है, यानी कोई भी हम एक छत मान लो या कोई भी हिस्सा मान लो जहाँ पे हमने क्या किया, एक चीज़ टांग दी, ठीक है। ये चीज़ क्या है, ये हमारे पास एक थ्रेड है जिसको हम क्या लिख रहे हैं, लॉन्ग थ्रेड, ये एक थ्रेड है, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, बॉब लगा दिया, BOB बॉब, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, बॉब। बॉब क्या होता है, ये एक मेटल बॉल होती है जो हम नीचे लगा दिया और स्ट्रेट जो थ्रेड है उससे इसको लटका दिया, और किसके ऊपर हमने फिक्स किया है, एक रिजिड सरफेस के ऊपर फिक्स कर दिया, तो इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास फिक्स है, लेंथ इतनी ही रहेगी। अब देखो हमारे पास पोजीशन क्या होगी, यही वाला ऑब्जेक्ट हमारे पास सेम वहीं पे रिजिड सरफेस के ऊपर ही है, लेकिन हमने उसको जैसे हमारे पास कहाँ, ये हमारे पास मेन पोजीशन थी, ये हमारे पास क्या है, बॉब है। अगर हमने इसकी पोजीशन थोड़ी चेंज की, यानी एक साइड पे हमने इसको खींच के लेके आए, यहाँ लेके आए, ये हमारे पास क्या है, पोजीशन ए मान लो आप, ये हमारे पास पोजीशन बी मान लो, ठीक है। अब बी से हमने यहाँ पे इसकी साइड खींचा इसको, अब ये क्या करेगा, ये दूसरी साइड जाएगा, यानी इक्वल डिस्टेंस पे ये दूसरी साइड यहाँ जाके ये सी पे, फिर ये वापस इधर जाएगा, फिर ये वापस इधर जाएगा, फिर ये वापस इधर जाएगा, तो ये जो मोशन हो रहा है, ये मोशन किसकी वजह से हो रहा है, यानी ये सिंपल जो पेंडुलम हमारा चल रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, हमारे पास जो पीरियोडिक मोशन है, यही इसी को कहते हैं पीरियोडिक मोशन, यानी सेम मोशन अपना रिपीट कर रहा है। ये क्या है कि पहले इधर जा रहा है, फिर इतना ही उधर जा रहा है, फिर इतना ही इधर जा रहा है, फिर इतना ही इधर जा रहा है, तो ये क्या है, ये सिंपल पेंडुलम हमारा मोशन में आता है, तो उसको ऐसा दिखता है। ये जो हमारे पास ये जो मोशन है, इसको हम क्या कह सकते हैं, टू एंड फ्रो मोशन भी तो बोल सकते हैं, और यही टू एंड फ्रो जो मोशन होता है, इसी मोशन को हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन, यानी जो हमारा पेंडुलम होगा वो कैसा मोशन शो करता है, ऑसिलेटरी मोशन शो करता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है। यानी हमारे पास क्या है, एक मीन पोजीशन, मीन पोजीशन हमारी कौन सी होती है, जो सेंटर वाली पोजीशन है, इसको हम क्या कहते हैं, मीन पोजीशन बोलते हैं, और बाकी हमारे पास जो ये साइड वाली है, इनको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं, कि ये एक्सट्रीम साइड है उसकी पोजीशन। अगर हमारे पास जो हमारे पास मूवमेंट कर रही है, यानी ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, ऑसिलेशन का मतलब क्या है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉब जो है हमारा, मूव कर रहा है कहाँ से, कोई भी मीन पोजीशन जो उसकी है, मीन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक वो लेके जा रहा है, और फिर क्या है, पूरा कंप्लीट कर रहा है, एक्सट्रीम एंड तक जाके वो उसको क्या है, कंप्लीट कर रहा है, पूरा मोशन लेके आ रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक ऑसिलेशन बोलते हैं। तो अगर ये कंप्लीट करे मीन पोजीशन से एक्सट्रीम एंड तक लेके जाए, तो वो क्या है, ऑसिलेशन कहलाएगा, ठीक है। और यही ऑसिलेशन अगर हमारे पास कंप्लीट हो, इसके अंदर कितना टाइम लग रहा है उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड बोलेंगे, यानी टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या होगा, एक कंप्लीट, एक ऑसिलेशन लेने में कितना टाइम लग रहा है वो क्या कहलाएगा, उसका टाइम पीरियड कहलाएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो हमें टाइम निकालना है, अगर हम स्पीड निकाल रहे हैं, तो स्पीड क्या है, डिस्टेंस, अपॉन में टाइम होगा, तो अब इनकी भी तो कुछ एसआई यूनिट्स भी तो होती होंगी, तो टाइम को हम किस किस से डिनोट करते हैं, उसकी जो मेजरिंग यूनिट होंगी, या फिर हम कह सकते हैं यूनिट्स कौन सी लगा सकते हैं, एक हमारे पास क्या हो जाएगी, सेकंड आ जाएगी, जिसको हम एस से डिनोट करेंगे, या फिर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, मिनट्स के अंदर काउंट कर सकते हैं, जिसको हम MIN से स्मॉल करके लिखते हैं, या फिर हम आर्स के अंदर लिख सकते हैं, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं, ये हो सकता है। अगर हम स्पीड की बात करें, तो स्पीड हमारे पास पूरी, अगर स्पीड की बात करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, तो क्या है, मीटर, अगर मीटर यूज़ कर रहे हैं तो अपॉन में हमारे पास क्या लेंगे, हम सेकेंड लेंगे, ठीक है। दोनों यूनिट अगर छोटी लेने तो दोनों छोटी लेंगे, बड़ी लेने तो दोनों बड़ी लेंगे। दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, हम मीटर अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं, मिनट ले सकते हैं, ये हमारे पास मिनट आ गई, यानी हमारे पास मीटर अपॉन में मिनट हम ये ले सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, किलोमीटर, होगा कितना किलोमीटर कवर कर रहा है, अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा,
तो किलोमीटर पर आर के हिसाब से हमारे पास क्या है, स्पीड है। तो स्पीड की जो एसआई यूनिट होती है वो इस हिसाब से डिफाइन की जाती है, इस हिसाब से बताई जाती है। अब देखो, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन के अंदर क्या है, जो यूनिट्स हैं वो अलग दे रखी है, यानी हमें यूनिट्स क्या हैं मीटर पर सेकंड दे रखे हैं और उसको हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आर के अंदर, तो वो कैसे करेंगे? तो हमारे पास क्या है, 1 किलोमीटर है पर आर, मतलब 1 आर के अंदर हम 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। मीटर कितना होता है हमारे पास इसमें, 1 अगर किलोमीटर की बात करें तो उसके अंदर कितने होते हैं, 1000 मीटर प्रेजेंट होते हैं, और हमारे पास अगर हम आर की बात करें तो उसके अंदर कितने होते हैं, 60 मिनट प्रेजेंट होती हैं। सेम ऐसे ही इसके अंदर 1000 तो हमारे पास क्या है, मीटर है, लेकिन मिनट्स के अंदर सेकेंड होती हैं, जो कि 3600 हमारे पास क्या आ जाएंगी, सेकेंड्स आ जाएंगे पूरे आर के अंदर। तो हमारे पास इसको अगर हम काउंट करें तो क्या आ जाएगा, 3.6 आ जाएगा हमारे पास, 3.6। तो इसकी एक ट्रिक भी है, यानी किलोमीटर पर आर के, अगर आपको इससे मीटर पर सेकंड निकालना है तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, डिवाइड बाय 3.6। अगर 3.6 से डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड बन जाएगा। लेकिन अगर आपको मीटर पर सेकंड दे रखा है और आपको किलोमीटर पर आर के अंदर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी मल्टीप्लाई बाय 3.6। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, जो भी आपके पास क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखो, ये नापने वाला कौन है, स्पीड को नापता कौन है, उसको हम क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर बोलते हैं। ठीक है, स्पीडोमीटर क्या है, एक डिवाइस है जो कि यूज़ किया जाता है व्हीकल्स के अंदर, जिसके जैसे कार होती हैं, ट्रक होते हैं, इनके अंदर स्पीड को कौन काउंट करेगा, वो कौन सा होगा, स्पीडोमीटर। ये क्या है, एक डिवाइस होता है जो स्पीड को बताएगा, कितने किलोमीटर पर आर की स्पीड से हमारी जो गाड़ी है वो चल रही है। और हमारे पास क्या होती है, एक ऑडोमीटर भी पता होगा आपको, एक ऑडोमीटर भी होता है। ये क्या होता है, डिवाइस ही होता है ये भी, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या बताएगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है आपने, जितना भी आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो क्या बताएगा, ऑडोमीटर बताएगा। ऑडोमीटर सिर्फ यही बताएगा कि कितने मीटर या फिर कितने किलोमीटर एक जो व्हीकल है वो चली है, ऑडोमीटर बताता है। स्पीडोमीटर क्या बताता है, पूरी स्पीड कितनी है, हमारी जो स्पीड चल रही है, यानी आप अपने डेस्क बॉक्स पे देखोगे तो वहाँ पे क्या चीज़ होती है, ऐसा हमारे पास होता है 40, 60, 80, 100, 120 ऐसा कुछ होता है, और उसके ऊपर क्या होता है, बीच में एक नॉब सी होती है, वो बताती रहती है कि इधर है, कहाँ पे हम पहुँच गए। तो वो क्या है, स्पीड बता रही है कि किस स्पीड से हमारे पास गाड़ी जो है वो चल रही है, तो स्पीडोमीटर होता है। ऑडोमीटर क्या होता है, जो कि सिर्फ ये बताएगा कितने किलोमीटर हमारी जो गाड़ी है वो चली है। देखिए, अब हम ना नेक्स्ट इसके अंदर ये देखते हैं कि टाइम जो हमारे पास जो टाइम और डिस्टेंस का जो ग्राफ होता है वो कैसे चलता है। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की क्या क्या चीज़ें होती हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम कैसे मेज़र कर पाते हैं। ठीक है, अगर आप एक ग्राफ पेपर ले लो, ये आपने एक छोटा सा एक ग्राफ पेपर लिया जिसको आपने ना इक्वल हिस्सों में, 4 हिस्सों में ऐसे डिवाइड कर लिया, इधर आपने लिख दिया एक्स, इधर लिख दिया वाई, इधर एक्स डैश, इधर वाई डैश। इसका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये वाला क्वाड्रेंट है, ये आपको उठाना है, यानी फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है ये आपको उठा लेना है यहाँ से। बाकियों के बारे में हम, इनके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इस वाले हिस्से की बात करेंगे। ठीक है, इस वाले हिस्से को आप नीचे देखो। अब हमने क्या किया है, इसको हमने चूज़ करना है इसके ऊपर एक स्केल, यानी ये हमारे पास क्या ऐसा कुछ हिस्सा आएगा, इसके ऊपर यहाँ पे हमने क्या लिखना है, 0। फिर ये जितने भी आपके ग्राफ पेपर में जो एक बड़ी लाइन आती है, वो बड़ी लाइन क्या है, ऐसे आप उसमें पॉइंट्स लगा दो, यानी ऐसे नंबर लिख दो, यहाँ पे भी नीचे 1, 2, 3, 4 और 5 ऐसे आप लिख दो। ठीक है, अब देखो यहाँ हमारे पास जो हमारे पास वाई एक्सिस है उसके ऊपर क्या दिखा रहा है, वो डिस्टेंस बता रहा है। डिस्टेंस किसके अंदर, इन किलोमीटर के अंदर, हमेशा यूनिट लिखनी ज़रूरी होती है कौन सी चीज़ बता रहे हैं। तो वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, डिस्टेंस जो कि किलोमीटर में डिनोट कर रहे हैं। इधर हमारे पास क्या है, टाइम, जिसको हम क्या कर रहे हैं, इन मिनट्स, यानी मिनट्स के अंदर हम इसको काउंट कर रहे हैं। यानी हमारा मतलब क्या है कि 1 मिनट हमारे पास होंगी तो ये 1 दिखाएगा, 2 मिनट होगी तो मतलब ये 2 दिखाएगा, 3 मिनट होगी तो मतलब 3 की जगह। तो हर एक जो सेंटीमीटर हमारे ग्राफ पेपर में होती है उसको हमने डिनोट कर दिया 1-1 मिनट से। इधर की साइड जो वाई एक्सेस है, ये हमारे पास क्या है, वाई है, ये हमारे पास क्या है, एक्स है। तो वाई एक्सेस के ऊपर ये हमारे पास क्या है, 1 सेंटीमीटर क्या दिखा रहा है, 1 किलोमीटर दिखा रहा है।
ठीक है, इस हिसाब से हम इसको अलग अलग डिफाइन कर देते हैं। अब क्या करो कि जैसे ही हमारे पास स्पीड कैसी आ रही, यानी हमने अगर ऐसा किया कि 1 मिनट इन 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया उसने 1 मिनट में, तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, हमारे पास क्या है यहाँ पे आएगा ये। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2 मिनट के अंदर उसने 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अगर हमारे पास 3 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया है 3 मिनट के अंदर, तो हमारे पास ये आ जाएगी। इनको ज्वाइन कर दो, तो ज्वाइन करोगे तो हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो इन सबको अब मेज़र करना होता है कि स्ट्रेट लाइन आ रही है तब क्या चीज़ होगी, कौन सी चीज़, यानी हमारा ग्राफ कैसा बन रहा है। ये हमारे पास ग्राफ बन गया, इसकी जो शेप होगी वो डिफाइन करेगी कि कैसा हमारे पास मोशन है। अगर इसकी लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन इसका मतलब क्या है, इंटरप्रिटेट आप क्या करो उसको, स्ट्रेट लाइन को देखो क्या करोगे आप, कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ वो चीज़ चल रही है, इसलिए ये क्या है, यूनिफॉर्म है, या फिर जो स्पीड है और डिस्टेंस वो सेम ट्रेवल कर रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन अगर आपको दिखती है ग्राफ में तो उसका मतलब ये होता है। दूसरा क्या है, अगर वो पैरेलल होंगी, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, जहाँ पे भी आपने टाइम लिया है उस एक्सिस के साथ अगर पैरेलल है बिल्कुल, यानी टाइम के हिसाब से वो चेंज ही नहीं कर रही अपनी पोजीशन, तो इसका मतलब क्या है, इट इज़ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यानी वो अपनी पोजीशन ही चेंज नहीं कर रहा, तो मतलब क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी है, वो रुका हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास लाइन कर्व आती है, कोई भी कर्व शेप के अंदर अगर लाइन आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ वो जा रहा है। ठीक है, अगर हम इसको ग्राफ के हिसाब से डिफाइन करें तो ये अगर हम बनाते हैं फिर से, ये हमारे पास क्या है, ये एक साइड है, ये एक्स है, ये एक्स है, ये हमारे पास वाई है, यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, डिस्टेंस, ये है हमारे पास डिस्टेंस, इधर हमारे पास क्या है, टाइम है। ठीक है, यानी हमने यहाँ पे हमने लेबल कर रखे थे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 जो भी है हमने वो लेबलिंग कर रखी है। अगर हमारे पास ग्राफ के अंदर कैसा दिखे, यानी हमारे पास एक तो देखो ग्राफ जा तो ऐसा आ सकता है, बिल्कुल ऐसा आएगा। ठीक है, ये क्या है, फास्ट है, फास्ट है, देखो टाइम वो क्या है, कम टाइम में जा रहा है, टाइम कम ले रहा है, लेकिन किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस जो होगा वो ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है, लेकिन टाइम जो है वो कम ले रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, फास्ट स्टडी स्पीड, यानी स्पीड जो है वो स्टडी है, सेम है, इसीलिए स्ट्रेट लाइन दिख रही है। ये जो स्ट्रेट लाइन बनी है किसकी वजह से है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है लेकिन स्पीड में है, स्पीड में जा रहा है, ज़्यादा ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है कम टाइम में। दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम एक ऐसा ले लें, ऐसे में हमारे पास क्या है, टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे वो बढ़ना स्टार्ट किया है, यानी अगर हम इसको और थोड़े अच्छे से देखें तो हमारे पास ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है लेकिन अब क्या है, टाइम उसने बढ़ना स्टार्ट किया। अब क्या चीज़ है, यहाँ से यहाँ तक का अगर टाइम देखें तो उसको टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था, डिस्टेंस बहुत कम कवर किया था लेकिन टाइम ज़्यादा लिया, अब इतने से इतने टाइम के अंदर ही उसने क्या है, डिस्टेंस बहुत सारा कवर कर लिया, तो अब ये क्या है, गेटिंग फास्टर, कोई भी चीज़ अब क्या हो रही है, गेटिंग फास्टर हो रही है, थोड़ी सी स्पीड पकड़ रही है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ होगी तो हम ऐसे दिखाएंगे उसको। अगर हमारे पास कोई भी ग्राफ आपको ऐसा दिखता है, ये ग्राफ आपको दिख रहा है, इस ग्राफ का मतलब क्या है, स्टेडी स्पीड है, यानी यूनिफॉर्म ग्राफ है, ये क्या है हमारे पास, स्पीड जो होगी वो क्या है, स्टेडी स्पीड है, स्पीड जो है वो फिक्स है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगर उसकी बजाय हमारे पास ऐसा कुछ ग्राफ में आता है, इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, ये स्टेशनरी है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा रुका हुआ है, अगर टाइम के हिसाब से टाइम जो है वो चेंज होए जा रहा है लेकिन जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा, बिल्कुल पैरेलल हो उसके। ठीक है, ये बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए, तो बिल्कुल पैरेलल है अगर टाइम के हिसाब से तो वो क्या है, चीज़ स्टेशनरी है। अगर हमारे पास नीचे जाए तो हमारे पास क्या है, डिस्टेंस वापस, वो वापस अपनी स्पीड पे आ रहा है, यानी अपनी जो जीरो था उसका डिस्टेंस था वो वहीं के वहीं वापस आ रहा है, यानी रिटर्न हो रहा है कहाँ पे, अपने स्टार्ट पॉइंट पे। तो टाइम के हिसाब से हमारे पास क्या है, टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन डिस्टेंस जो होगा वो घटता जा रहा है, तो यानी वो अब स्लो कर रहा है अपने प्रोसेस को, अपनी जो स्पीड है उसको स्लो कर रहा है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो है टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट किया जाता है।
यानी इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं, अगर हमें स्पीड निकालनी है किसी की भी, अगर स्पीड निकालनी है तो वो क्या है हमारे पास, ये तो हमें पता ही है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब डिस्टेंस हमें फिक्स नहीं है, हमें बता दिया एक इनिशियल डिस्टेंस है एक फाइनल डिस्टेंस है, तो हम क्या करेंगे, जहां पे फाइनल पोजीशन है, जो भी पोजीशन हमारी फाइनल वाली है, फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस कर देंगे हम इनिशियल पोजीशन, जो जहां से स्टार्ट किया था उसने, उस पोजीशन को अगर हम माइनस कर दे तो हमारे बीच का जो डिस्टेंस होगा वो पता चल जाएगा अपॉन में कितना टाइम उसने लिया है, टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट। तो ये वाले हिस्से हमें क्या बता देगा, स्पीड बता देगा, कितना स्पीड होगा, ठीक है। और वो स्पीड किस हिसाब से है, वो क्या चीज है, स्लोप्स बता देती है, हमारी स्लोप किस हिसाब से हमारे पास स्पीड जा रही है। जैसे हमारे पास ये है, ये क्या है, डिस्टेंस बता रहा है, ये हमारे पास क्या दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है। तो अगर हमारे पास ऐसे जा रही है, स्लोप ऐसे है, बिल्कुल खड़ी वाली है, तो मतलब हमारे पास क्या है, स्पीड उसकी ज्यादा है, कम टाइम के अंदर उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। एक हमारे पास क्या होगा ऐसा, तो हमारे पास क्या है, स्पीड कम है क्योंकि टाइम वो ज्यादा ले रही है लेकिन डिस्टेंस जो है वो कम कवर कर पा रही है। तो जो स्लोप होती है वो भी हमें स्पीड का बता देती है कि स्पीड कैसी होगी, हाई स्पीड है, लो स्पीड है, कैसी स्पीड है। तो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर गाइज, इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, हम ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती, तो प्लीज़ उसे आस्क करें कमेंट बॉक्स में। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।